बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने जबरदस्त हिट के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर बड़े पर्दे से ओझल हो गए। बाद में इन स्टार्स ने अपने कैरियर को दोबारा मौका दिया, जिनमें से कुछ को सफलता मिली तो कुछ इसके बाद हमेशा के लिए रुपहले पर्दे से दूर हो गए। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में नजर आ रही बच्ची बॉलीवुड की वो अभिनेत्री है जिसने ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ अपना कैरियर शुरू किया और कैरियर की शुरुआत होते ही शादी भी कर ली। शादी के बाद इन्होंने पति की बात मानते हुए एक्टिंग से दूरी बना ली और परिवार को समय देने लगी, लेकिन फिर इन्होंने वापसी का मन बनाया और अब ये आज भी अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। इस अभिनेत्री ने कैरियर के पीक पर सुपरस्टार से शादी कर ली और फिर मां बन गई। 16 की उम्र में शादी और 17 में मां बनने के बाद वह एक्टिंग से दूर होने लगी, लेकिन फिर उन्होंने 25 की उम्र में फिल्मों में कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया जिसे हर कोई देखता रह गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फोटो में नजर आ रही बच्ची कौन है। जी हाँ, ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि डिंपल कपाड़िया हैं, जिन्होंने ऋषि कपूर के साथ बॉबी फिल्म से डेब्यू किया था। बॉबी के रिलीज होते ही डिंपल कपाड़िया रातों रात फेमस हो गई थी, लेकिन पहली ही फिल्म के बाद उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। डिंपल तब 16 साल की थी जब उन्होंने राजेश खन्ना से शादी की और इसके बाद 17 साल की उम्र में ही वो माँ बन गयी। उन्होंने 1973 में ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और 1977 में रिंकी की माँ बनी। फैमिली के चलते वह फिल्मों से दूर हो गयी और राजेश खन्ना से रिश्तों में भी दरार आने लगी। दोनों के बीच का तनाव इतना बढ़ गया था कि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों अलग हो गए। अब भी फिल्मों में एक्टिव हैं डिंपल कपाड़िया। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया ने फिर फिल्मों में वापसी का मन बनाया और कमबैक किया। अपनी दूसरी पारी में वह हर तरह छा गई, हर कोई उनका दीवाना हो गया। डिंपल अब 67 साल की हो चुकी हैं और आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं। 2023 में वह पठान और तू झूठी मैं मक्कार जैसी सफल फिल्मों में वह नजर आईं और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया।